हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या नीट में सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो हमें कहाँ से लेक्चर्स देखने और हमें कहाँ से वो रिसोर्सेज मिलेंगे जिनके थ्रू हमें पढ़ाई करनी है। सो वेल द आंसर इज येस, नीट में सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन पॉसिबल है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी की थी अपने टाइम पे, एंड टुडे आई मीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। एंड रही बात रिसोर्सेज की, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से लेक्चर्स देखने हैं, एंड जो भी रिसोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो सारे रिसोर्सेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे नीट 2024 के लिए सारा मटेरियल अपलोड किया था, शुरू से लेके एंड तक आप जाके देख सकते हो, एंड आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड अब नीट 2025 के लिए भी सब कुछ अपलोड करूंगी, सो शुरू से लेके एंड तक आपके साथ रहूंगी। यू कैन श्योरली रिलाई ऑन मी। एंड अभी बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि क्या दी अभी भी पॉसिबल है नीट में सिलेक्शन, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हम 8 महीने में कर पाएंगे? सो येस, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपका 8 मंथ्स का प्लान अपलोड कर दिया है। उस मंथली प्लान के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस 6 मंथ्स में कवर हो जाएगा, एंड आपको 2 मंथ्स प्रॉपर मिलेंगे रिविजन और प्रैक्टिस के लिए। सो अभी देर मत करो, जल्दी से स्टार्ट कर दो अपना प्लान और अपना सिलेबस टाइमली कम्प्लीट कर लो। सो नाउ लेट्स कम टू कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी एंड आपको कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। सो पहले बात करते हैं बायो एंड केमिस्ट्री की, तो इनके लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर लेना है, ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको नहीं लेना। एंड केमिस्ट्री के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इनऑर्गेनिक समझ नहीं आता, तो आप बीटी सर के लेक्चर्स ले सकते हो, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। सो उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप उनके ले सकते हो। एंड फिजिकल के लिए मैंने सुधांशु सर के लेक्चर्स लिए थे उम्मीद के, एंड ऑर्गेनिक मैंने पंकज सर से की थी, और मैंने एंड में ना नितेश सर का क्रैश कोर्स भी फॉलो किया था, तो आप वो भी देख सकते हो। नितेश सर के लेक्चर्स भी मेरे को अच्छे लगे थे, तो आप उनके वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको किसी का समझ में नहीं आया तो। एंड बायो के लिए आप ट्राई करना, आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही लेक्चर लो, ज़्यादा आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी बायो के लिए नहीं पढ़ना। सो ये आपको लेक्चर्स लेने, एंड इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है? केमिस्ट्री के लिए भी आपको तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड बायो की भी। सो कोई भी बच्चा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी स्किप नहीं करेगा, आपको अच्छे से थोड़ा रीडिंग लेनी है केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी की। नेक्स्ट आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उसके लिए पीडब्ल्यू के एनसीईआरटी पंच बुक यूज़ कर सकते हो, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके पीवाईक्यू, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैंने लास्ट 36 ईयर्स की पीवाईक्यू की बुक की पीडीएफ अपलोड कर रखी है वो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। सो आप उस बुक से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। आपको मेनली फोकस ये होना चाहिए कि आपको बायो के लिए तो मिनिमम 5 ईयर्स के करने ही है, एंड केमिस्ट्री के लिए भी लास्ट 5 to 7 ईयर्स के आपको करने हैं। इसके बाद आपके आती है रिवीजन, जो आपको रेगुलरली करनी है, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम पे, वो भी अपलोडेड है, आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको चाहिए होती है फॉर्मुला शीट्स हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन शीट्स हो गई, आपके बायो के लिए हो गई एक्सेप्शन शीट्स, ये सब आपको चाहिए होती है, तो इधर आप ही खुद बना लो, अदरवाइज ये सब भी अपलोडेड है, आप एक बार ही देख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायो एंड केमिस्ट्री। एंड अब बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए आपको लेना उम्मीद बैच के लेक्चर्स, अगर आप लास्ट ईयर के लेक्चर्स ले तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आप पहले वाले उम्मीद के भी ले सकते हो, आपको बस वो टॉपिक स्किप कर देना जो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद बात आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो उसके लिए मैंने तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो किया था, एंड क्योंकि वो उसी साल लॉन्च हुई थी, एंड मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग बुक ले लेते हैं एंड बुक के हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं या फिर बहुत हाई लेवल के होते हैं नीट से, तो हमें पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन ऐसे जो हमें आने चाहिए या जो इंपॉर्टेंट है। तो उस सीरीज में मैम ने बहुत सारे बुक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट लेवल के वो करवाए हुए हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है, इससे हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और मेरा क्या था कि मेरे को फिजिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे समझ आ जाती थी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मुझसे होते नहीं थे, मुझसे ये समझ नहीं आता था कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, तो वो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ पाती थी। एंड दिस वाज द मेन रीजन कि मेरा फिजिक्स में स्कोर बहुत कम जा रहा था, बट जब मैंने वो सीरीज को फॉलो किया तब मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि हमें फिजिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है। जो अप्रोच नहीं क्लियर हो पा रही थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी। तो जिन भी बच्चों का सेम इशू है कि हमें फिजिक्स समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें समझ आ जाती है, बट हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते क्योंकि हमें अप्रोच समझ नहीं आ पाता कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो आप वो चीज़ ज़रूर फॉलो करना, उससे आपको वो चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं और हर क्वेश्चन की अप्रोच समझाई गई है, तो टॉपिक वाइज है, फिर आपकी चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज है, तो वो बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। एंड इसके बाद आपको करना है पीवाईक्यूज, जो उसी बुक से आपको सॉल्व करना है। एंड अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप अगेन पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक को ही यूज़ कर सकते हो, बाकी रिवीजन के लिए तो शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर्मुला शीट्स आपको फिजिक्स के लिए जरूर बनानी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, सब कुछ वहीं पे मिलेगा आपको। एंड कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट में जरूर लिख कर जाना, या फिर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन।